तो साल 2023 खत्म हुआ और नए साल यानी कि 2024 ने दस्तक दे दी। राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं के लिए आगामी साल कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद सीएम और मंत्री एक नए संकल्प के साथ काम करते नजर आएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्री नए साल के पहले दिन बाहर कहीं भ्रमण पर ना जाकर क्षेत्र की जनता और परिवार के बीच रहकर नए साल का आगाज करेंगे। वही तमाम मंत्रियों के मन में पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य भी है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मोदी गारंटी को पूरा करना उनका पहला लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने भी यही बात दोहराई। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बेहतर काम का संकल्प व्यक्त किया। गृह मंत्री विजय शर्मा प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लेते हुए नजर आए। जिस वादे के साथ में और जिस मोदी जी की गारंटी के साथ में और जिन संकल्प को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता गए थे और हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्र नेतृत्व ने उस पर जिस तरीके से लोगों को वो किया और लोगों ने विश्वास जताया मोदी जी की गारंटी पर, हमारा कर्तव्य रहेगा कि हम उन सारे संकल्प को, उन सारे हमारे मोदी जी की गारंटी को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, उन वादों को पूरा करें। संकल्प तो हम पुराने साल में ले चुके हैं। चुनाव के पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो उन्होंने गारंटी दिया है, उसी गारंटी को पूरा करने का हम लोग का अभियान का जो संकल्प है वही संकल्प है। नहीं, मैं तो नए साल में घर में ही अपना रहता हूँ, कुछ कार्यक्रम हैं क्षेत्र में, उस कार्यक्रम में जाएंगे और नया साल में सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल कल से प्रारंभ है और हर दिन मेहनत का दिन है, हर दिन चुनौती का दिन है। अगला साल भी नया चुनौती का दिन होगा। मैं शुभकामनाएं भी अग्रिम प्रेषित करता हूं सभी को। आने वाला समय हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो, कानून का राज हो, सभी मुख्यधारा में हो, जो साथी जो नौजवान हमारे प्रदेश के अगर किसी और दिशा में हैं तो उनसे भी चर्चा करके, उनको भी समझा करके मुख्यधारा में लाने की पूरी कोशिश होगी। साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से राजनीतिक दलों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। जहां तक भाजपा की बात है तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का संकल्प नेता ले रहे हैं। ये संकल्प किस हद तक पूरा होता है ये आने वाले कुछ महीनों में ही पता चलेगा। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।